Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. मैं स्टार्टिंग का चैप्टर डिस्कस किया था, चलिए अब हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। निलय अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति, हमारी संस्कृति किस प्रकार की है। शिक्षक कहते हैं विश्व बंधुत्व भावनाया युक्ता संसारस्य समस्त संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति मूर्धन्या अस्ति। विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त समस्त संसार में की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है। शिक्षायाम विज्ञान ज्ञान विज्ञाने च भारतम सर्वदा अग्रसरम विद्यते। शिक्षा के क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सदैव ही अग्रणी रहा है, अग्रसर रहे। प्राचीन काले नालंदा तक्षशिला इत्यादय विश्वविद्यालया संपूर्णे विश्वे अतीव प्रसिद्धा आसन। प्राचीन काल में नालंदा तक्षशिला इत्यादि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। आधुनिक वैज्ञानिक युगे अपि चिकित्सा शास्त्रे संगणक विद्यायां अन्येषु च वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु वै भारतीया समग्र विश्वे प्रमुखा सन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक युग में चिकित्सा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के ज्ञान के क्षेत्र में और अन्य वैज्ञानिकों के क्षेत्र में भारतीय संपूर्ण विश्व में प्रमुख हैं। छात्रा आचार्य भारतस्य का सहायक है, भारत के प्रगति में कौन कौन सहायक है। शिक्षक कहते हैं साधु पृष्ठम सही पूछा, वयम सर्वे सहायका स्म हम सभी सहायक हो सकते हैं। छात्रा वयम अपि हम भी। शिक्षक कहते हैं आम हाँ। सर्वे जना स्वहित त्यक्त्वा देशस्य हिताय चिन्तयन्तु, हम सभी लोगों को अपने हित का त्याग करके देश के हित की चिंता करनी चाहिए। स्वच्छताया ध्यानम कुर्वन्, स्वच्छता की ओर ध्यान करना चाहिए। छात्राः अपि नियमान पालयन्तु सम्यक अध्ययनं च कुर्वन्तु, छात्रों को भी नियमों का पालन करते हुए अध्ययन प्राप्त करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। एव भवन्तः भारतस्य प्रगत्या सहायका भविष्यन्ति, इस प्रकार हम सभी भारत की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। मूला वयम जागरित्वा, हम जागकर राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। वयम जागरित्वा राष्ट्रस्य प्रगत्याम सहायका स्याम, इसका मूल अर्थ है हम सभी जागृत अवस्था में राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।